का खैर मकदम है। आज बात करेंगे जो मोबाइल के अंदर कम्युनिकेशन है। 5 अगस्त के बाद यहाँ वादी कश्मीर में कम्युनिकेशन जो है वो उसको ब्लॉकेड किया गया था। आज 5 महीने के बाद जो यहाँ पे प्रीपेड खिदमात है उनको कुछ कश्मीर में कल रोहित कंसल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें उनको बहाल कर दी गई है। पूरे जो कश्मीर के जिले हैं उनको बहाल कर दिए गए हैं। 2G खिदमात 2 डिस्ट्रिक्टों में ऑर्डर किया गया था, कुपवारा और बांडीपोरा में। अभी हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2G खिदमात जो फुल्ली पोस्ट पेड है उनको बहाल कर दिए गए हैं। प्रियान पोस्ट या प्रीपेड है उनमें अभी बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कई वो तो कम ही जो वो कनेक्शंस हैं उनमें बहाल किया गया है। यहाँ लोगों से हमने भी रिएक्शन ली है, लोगों का यही कहना है कि जो फुली यहाँ पे प्रीपेड है या पोस्ट पेड है उनमें खिदमात बहाल की जाए और 4G कनेक्टिविटी बहाल की जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स तबका है या कारोबार इदारे हैं, आज GST भरना पड़ता है। आज अगर आप देखोगे यहाँ पे जो स्कॉलरशिप भरना पड़ता है तो एक लाइन में रहना पड़ता है 2 दिन के बाद अपनी जो यहाँ पे आते हैं और फॉर्म भर लेते हैं, 2 दिन के बाद वो अपनी जो क्यूज में होते हैं तो उनके बाद वो फॉर्म भरते हैं। बहुत मुश्किलात हैं, लोगों ने यह खैर मकदम भी किया है, लेकिन ये अपील भी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि यहाँ पे जो कश्मीर में फुल्ली कम्युनिकेशन रिस्टोर की जाए। वो जो हमारे स्टूडेंट इस वक्त सफर कर रहे हैं, हजार हजार स्टूडेंट लाइन्स में होते हैं फॉर्म जमा करने के लिए, तो काफी प्रॉब्लम्स है। तो 2G से वो प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सके, और मैंने खुद भी सुबह चेक किया कि स्पीड भी नहीं है, यहाँ पे हमारे सारा सिस्टम बैठा हुआ है। तो हमें गवर्नमेंट इंडिया से ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4G स्टार्ट हो जाए, ताकि हमें जो अंधेरे में रखा है वो बहाल हो जाए। जा रहा है वो ऐसे है कि आप ये मानो कि आप जो हम 5 महीनों से अंधेरे में है अभी तक वो बहाल नहीं हुआ है, तो 2G से हमें कोई वो काम होते ही नहीं है जो हम करते हैं, चाहे डेवलपमेंट के रिलेटेड काम हो, चाहे स्टूडेंट्स के रिलेटेड काम हो, चाहे कॉलेजों के फॉर्म हो, चाहे यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने हैं, तो वो 4G से होता है। एक स्पीड एक 2G में एक स्टूडेंट को लगता है 1 घंटा, अगर वही काम अगर 4G में होता तो वो कुछ सेकंडों में होता, तो काफ़ी मुश्किलात अभी भी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं अगर उन्होंने 2G स्टार्ट किया तो वो चाहे कि 4G स्टार्ट हो जाए। इन कदम है कि 5 माह के बाद आज बांडीपोरा में इंटरनेट खदमात बहाल की गई है, लेकिन ये खदमात सिर्फ 2G पोस्ट पेड तक ही महदूद है, जिससे काम नहीं चल पाता है। हमारी रिक्वेस्ट है कि मौसला जो कंपनियां हैं वो मतलब जितने भी यहां पर कंपनियां काम कर रहे हैं उन सारी पर ये खदमात मतलब जो फास्ट रफ्तार है 4G है वो खदमात बहाल की जाए, क्योंकि जो इस वक्त जो खदमात बहाल की गई है इससे काम नहीं चलेगा, इससे इंटरनेट की जो मतलब जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेट चलना वो चल नहीं पाता है। तो फिलहाल ये खुश आइंदा कदम है, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और ये जो यहाँ पर 4G खदमात है इनको बहाल किया जाए। इंटरनेट की अदम दस्याबी की वजह से समाज के हर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर ये जो ताजिर तबका है, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बता के चलूं कि इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से तलबा को जो स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, तो इस हवाले से वालदीन और उनके बच्चों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो 4G इंटरनेट खदमात है इसको बहाल किया जाए, ताकि आवाम को जो मुश्किलात दरपेश है इंटरनेट के हवाले से वो दूर हो जाए। चनवन के लिए श्रीनगर से ज़ुहूर अहमद।